ये देखिए यहाँ पे मंदिर है और ये जो है ये चढ़ने का रास्ता था मंदिर के ऊपर। आप देख रहे होंगे जो यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, ये चढ़ने की सीढ़ियाँ हैं। और आप जस्ट देखिए इधर से जो है लेफ्ट साइड से ये उतरने की सीढ़ियाँ हैं। और ये जो है झरने का पानी है जो बहुत तेज बह रहा है, जो आपको दिख रहा होगा काफी फिट ऊपर से जो नीचे गिरे झरने का पानी है। और ये देखिए नीचे जो है ये पत्थर ही पत्थर आपको दिख रहा होगा। और ये देखिए ये पूरा का पूरा झरना है और बरसात के मौसम ये पूरा पत्थर जो है डूब जाता है। और सामने से जो एक छोटे से नदी की तरह या नहर की तरह बह जाता है वो आगे घाटी में। और ये सामने देखिए मैं जस्ट सामने से आया हूँ और ये जो है सामने का जो है जाने का रास्ता है। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, जब माता रानी का मैंने दर्शन कर लिया अब घर की तरफ विराजमान और प्रस्थान करते हैं, क्योंकि बहुत देर हो चुका है और आज दिवाली का दिन भी है और मुझे अपने घर जल्दी से लौटना है। एक बार और कैमरे का मैं झलक मोड़ता हूँ। ये देखिए ये वो सुहाना सा समय और मस्त समय और मस्त मौसम, सुहाना मौसम और ये सुहाना सा एक दृश्य जो मैं आपको कवर करते हुए दिखाते हुए चल रहा हूँ। तो चलिए आगे बने रहिए, बहुत सारी घंटियाँ हैं, बहुत सारे बंदर आपको वीडियो में दिख रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं, व्लॉग में बने रहिए। कोशिश करूँगा हर चीज़ों को मैं बारीकी से दिखाने का और समझाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए ये देखिए ये पत्थर कितने बड़े बड़े हैं, अगर आप गौर से देखें तो ये बहुत बड़े बड़े विशाल का पत्थर है जिनको काट करके यहाँ पर सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। और ये देखिए लोग पानी में नहा रहे हैं, मज़े से नहा रहे हैं। और ये पीछे जो है झरना है और मेरे आसपास काफ़ी बहुत ज़्यादा बंदर हैं। ये देखिए एक छोटा सा बंदर पता नहीं क्या कर रहा है, पीछे दो तीन बंदर हैं, बहुत बंदर है। बंदरों से यहाँ बहुत सावधान रहना पड़ता है क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं इन जगहों पर। ये देखिए कैमरे को ध्यान से, मुझे यहाँ कैमरे को ध्यान से रख करके भी शूट करना पड़ रहा है क्योंकि कब कौन सा बंदर अटैक कर सकता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बैग और प्रसाद छीनने के चक्कर में रहते हैं। आज मेरी यहाँ मतलब पंडित जी से भी मुलाकात हुई और जो यहाँ पे मंदिर के किनारे जो एक मतलब योगी महात्मा जी रहते हैं उनसे भी मुलाकात हुई। इन लोगों से मैंने काफ़ी बात किया, मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मंदिर के रहस्य के बारे में बताया कि कब मंदिर बना था। प्राचीन भाषा में मंदिर के बगल में कुछ लिखा भी है, एक शिलान्यास है जिसपे हिंदी भाषा में भी लिखा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ यहाँ के लोगों ने मुझे विस्तार से समझाया। तो चलिए व्लॉग में बने रहिए, हम नीचे की तरफ प्रस्थान करते हैं। एक साइड से ये जो खूबसूरत लैंडस्केप आपको दिख रहा है, खूबसूरत सा जो आपको नज़ारा दिख रहा है, ये काफ़ी अल्टीमेट व्यू है। झरने का पानी का बहाव, सामने जो झरना है, यहाँ पे जो पानी है फ्रेश वाटर है पहाड़ का, लोग इसमें इंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं, काफ़ी मस्ती कर रहे हैं। चलिए एक किनारे पर आकर के मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप अगर गौर करेंगे तो लोग बहुत सारे लोग नहा रहे हैं, एक रस्सी भी है जो बैरियर है कि उससे आगे आपको नहीं जाना है, खाई हो सकता है। और ये देखिए मैं वापस से टर्न करता हूँ तो ये देखिए वो ये वो मंदिर है जो साफ साफ दिख रहा है, सीढ़ी है राइट साइड से जाने के लिए है और लेफ्ट साइड से उतरने के लिए है। और जस्ट इसके बगल में झरना है। थोड़ा सा मैं कैमरे का एंगल ऊपर की तरफ करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि 200-300 फीट ऊपर से ये गिर रहा है पानी। और कैमरे को थोड़ा और रोटेट करता हूँ तो ये देखिए रोटेट करने पर दिख रहा है कि बहुत ऊँची ऊँची पहाड़ की पर्वतें हैं और ये है वो जमीन खाई जहाँ पे पानी है। और ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं और कुछ इसी प्रकार के पत्थर हैं जिनको काट करके सीढ़ी बनाया गया है। और चलिए अब चूंकि दिवाली का टाइम है, मेरी बात यहाँ सबसे हो चुकी है, यहाँ के पंडित जो पुजारी हैं मंदिर के उनसे ही मेरी बात हुई, साइड में जो बाबा बैठते हैं उनसे भी काफ़ी बातचीत हुई। और ये देखिए ये जो इधर का है लिखा हुआ है बंदरों से सावधान रहे, एक मतलब यहाँ पर बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है, लगभग मुझे लगता है कि 12-14 फीट का पत्थर, 12 फीट का पत्थर है जिस पर लिखा हुआ है। और ये देखिए ये बहुत सारे पत्थर एक पे एक रखे हुए हैं, पता नहीं कैसे, मुझे लगता है ये बंदर रख देते हैं या कौन रख देता है मुझे पता नहीं। ये देखिए काफ़ी सारे बंदर हैं यहाँ पे, इतने बंदरों की संख्या है, कुछ बंदर तो मुझे वीडियो शूट करते हुए देख रहे हैं, कुछ गुस्सा भी रहे थे। ये देखिए चलिए अब हम नीचे चलते हैं और ब्लॉग को आगे चलते हैं। अब देखिए एक बार फिर से मैं कैमरे को रोटेट कर रहा हूँ, ये देखिए क्या खूबसूरती है इस पहाड़ की, क्या मतलब लैंडस्केप है, क्या नज़ारा है, आप देख रहे होंगे अमेजिंग है, मतलब एक बहुत हॉट स्पॉट है टूरिस्ट प्लेस के तौर पर, बहुत खूबसूरत जगह है। और माँ जगदम्बा माँ दुर्गा का एक शक्तिपीठ है ये, एक तुतला भवानी के स्वरूप में यहाँ पूजा जाता है उनको। चलिए आगे बढ़ते हैं इस ब्लॉग में, तो बने रहिए। अब हम सबसे नीचे वाले पोर्शन पे आ गए हैं जहाँ पर हम जूते और चप्पलों को खोलते हैं। ये देखिए ये वो मतलब एंट्री गेट है और इस साइड से मैं बोलूँ तो एग्जिट गेट है। सामने एक फ्लोटिंग ब्रिज है जो हरे रंग का आपको दिख रहा होगा, वो मतलब झूला है जो पहाड़ों के ऊपर से जाता है। चलिए तो ये वो जगह है। अब मैं अपने स्लीपर्स को पहन करके मैं अभी जाने के लिए रेडी हो जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले आपको कुछ और चीज़ें मैं दिखाऊंगा जो बहुत मज़ेदार होंगी। थोड़ा कैमरा को के एंगल को चेंज करके ये देखिए यहाँ से आप साफ साफ दिखाई दे रहा होगा
ये वो फ्लोटिंग ब्रिज है जो पहले 2-3 साल पहले बना है और लोगों के सहूलियत के लिए, नहीं तो ये जो बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं इन पत्थरों से होकर के, ये देखिए ये मतलब चेंज रूम है शायद, इसमें चेंज लोग कपड़े करते हैं। और ये देखिए जो बड़े बड़े आपको पत्थर दिख रहे हैं, इन पत्थरों से जो पानी आपको दिख रहा है इसके रास्ते से लोग आते जाते थे, तो ये वो जगह है। अब चलिए आपको और दिखाता हूँ, ये देखिए कई लोग उधर नहा भी रहे हैं। और ये जो है, ये जो घाटी आपको दिख रही है, इस घाटी से जब बरसात के मौसम में जब पानी का बहुत तेज होता है तो इस घाटी से पानी जो है बह करके जाता है। ये देखिए डायरेक्शन देखिए, इधर से पानी आता है, इधर से जब पानी का लेयर बढ़ जाता है मंदिर की तरफ से, तो ये सारा का सारा पानी क्या होता है कि इस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है और इन चट्टानों के मदद से वो आगे इस रास्ते में बढ़ जाता है। तो खैर अभी मैं फिलहाल उधर नहीं जाऊंगा, चलिए मैं क्या करता हूँ कि इस फ्लोटिंग ब्रिज के सहारे आगे बढ़ता हूँ, ऊपर चलता हूँ। चलिए वीडियो में बने रहिए। काफ़ी संभल करके चढ़ना पड़ता है क्योंकि यहाँ का रास्ता जो है काफ़ी डेंजरस है। ये देखिए चेतावनी बोर्ड भी बिहार सरकार की लगी हुई है, वन विभाग की, और इसको फॉलो करते हुए हमें व्लॉग में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो चलिए ये देखिए, ये वो है मंदिर का आखिरी झलक मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, अभी भी कुछ लोग हैं। और ये देखिए ये वो है झरना, और ये इसके नीचे का जगह, और ये देखिए ये वो सीढ़ी है जहाँ से लोग आ जाते हैं। ये देखिए अब मैं जा रहा हूँ, एग्जिट करने जा रहा हूँ, तो चलिए आपको इन किनारों से भी मैं कुछ मतलब फुटेज दिखाता हूँ, चलिए वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ से जो फुटेज आ रहा है वो अल्टीमेट आ रहा है, पूरा का पूरा जो है। ये देखिए ये सीढ़ी है और वो सामने मंदिर है, ये झरना है, झरने का ये फुटेज है जो आपको दिख रहा है, पूरा का पूरा कंप्लीट लैंडस्केप मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये झरने के जस्ट नीचे का जो पोर्शन है, और ये देखिए ये जो फुटेज है पीछे का बैक का फुटेज है जो आपको दिख रहा है। और ये मतलब मैं फ्लोटिंग ब्रिज के साइड कॉर्नर पर जो स्पेस होता है वहाँ से खड़ा होकर के मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस रास्ते से लोग आते हैं और जाते हैं, और देखिए थोड़ा सा मैं कैमरे के एंगल को रोटेट करूँ तो इस साइड से मैं लेफ्ट साइड से आकर के इधर की चीज़ों को दिखाने की कोशिश करूँ, तो मैंने बहुत बारीकी से सभी चीज़ों को कैप्चर करने की कोशिश की। अगर आप मैं कैमरे को थोड़ा और ऊपर अगर करूँ तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दिख रही हैं, मतलब केवल पहाड़ी पहाड़ और वनस्पति और जंगल और घाटी है, इस घाटी से पानी होकर के आगे निकलती। तो चलिए अब मिलते हैं आगे किसी ब्लॉग में, ठीक है, अभी तक के लिए इतना है, आगे बढ़ता हूँ और भी जानकारी आपको देता हूँ। धन्यवाद।